अपन ने ये तीन क्लास बना दिए, यहां तक ठीक है, तुमको समझ में आया, तुमको तुमको यहां तक? हाँ भाई, तो महाराष्ट्र क्लास कौन से पैकेज में है? कौन से पैकेज में है? कॉम डॉट स्टेट किसमें है? कॉम तो कॉम पैकेज, कौन सा पैकेज? कॉम, उसके अंदर कौन सा पैकेज? उसके अंदर स्टेट पैकेज। डॉट 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 डालने से वो सब पैकेज बन जाता। क्या बन जाता डॉट डालने से? तो कॉम डॉट स्टेट, ये पैकेज हो गया। उसके अंदर कितने क्लासेस हैं? कितने पैकेज है इसके, कितने क्लासेज है इसके अंदर? दो। कौन से हैं? और ठीक है, ये अपन ने सेव कर दिया। अभी अपने को क्या करना है मालूम है क्या? कंपाइल करना है क्लास को, तो जावा फाइल देना। तो अभी जब तो ये जो होता है ना पैकेज, इनके अंदर होती है डॉट क्लास फाइल। क्या होती है? पैकेज में डॉट जावा फाइल नहीं होती। तो महाराष्ट्र की कौन सी फाइल होंगी? महाराष्ट्र डॉट जावा या महाराष्ट्र डॉट क्लास? पैकेज के अंदर कौन सी फाइल होंगी, डॉट क्लास या डॉट जावा? क्लास क्लास। और डॉट क्लास कैसे बनती है? डॉट जावा से। डॉट जावा से डॉट क्लास कैसे बनाते हैं अपन? यस। और डॉट जावा टू डॉट क्लास बनाने का तरीका क्या है? जावा सी। क्या है? जावा सी है ना कंपाइलर। तो अभी देखो, मुझे इन फाइल्स को कंपाइल करनी है महाराष्ट्र को। तो अभी मुझे पैकेज में अगर बनाना है तो मेरे पास दो वे है। कितने वे है? टू वे है। एक डोंकी वे है और एक स्मार्ट वे है। टू वेज टू कंपाइल पैकेज क्लासेस। विच क्लासेस? जो क्लासेस पैकेज के अंदर रहती ना, तो उनको कंपाइल करने के दो तरीके मेरे पास, एक स्मार्ट वे और एक डोंकी वे। आई विल शो यू बोथ द वेज, देन यू कैन सी व्हाट रियली हेल्प्स यू। फर्स्ट टेक डोंकी वे। फर्स्ट टेक विच वे? फर्स्ट कौन सा वे लेते हैं अपन? हार्ड वर्क वाला। डोंकी वर्क बोले तो हार्ड वर्क। और दूसरा कौन सा है? स्मार्ट वर्क। सो सी व्हाट सूट्स यू, यू कैन डू दैट। इसमें सबसे पहले क्या करने का, ये फोल्डर बनाने का। क्या बनाने का? खुद से फोल्डर बनाने का। क्रिएट फोल्डर किस नाम से, किस तरह से फोल्डर बनाएंगे आप? और इनसाइड दैट मेक वन मोर फोल्डर, व्हाट बाय व्हाट नेम, किस नेम से? स्टेट। तो एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बनाएंगे, ठीक है? और फिर अपने को कंपाइल करनी है महाराष्ट्र फाइल। तो कैसे करेंगे? है क्या नहीं? यस सर। है ना? तो ये अपने को क्या देगी फिर? व्हाट विल दिस गिव अस? जब हम कंपाइल कर लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? क्या क्लास फाइव नाम से? जब हम कंपाइल कर लेंगे महाराष्ट्र जाओगे तो क्या मिल जाएगी अपने को? महाराष्ट्र डॉट क्लास। अब इस क्लास, इस फाइल को कट पेस्ट करके डाल दो फोल्डर के अंदर। कट द विच फाइल? फाइल एंड पेस्ट इन स्टेट फोल्डर। विच फोल्डर?
अरे समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ मैं? पहले तो पैकेज के जितने भी फोल्डर है खुद बनाने का मैन्युअली उनके ऑर्डर के अंदर, यस और नो? और फिर जो भी क्लास कंपाइल करे अपन ने, तो महाराष्ट्र क्लास कंपाइल के, तो क्या जब भी क्लास कंपाइल करे तो अपने को क्या मिलती है उसकी? उसकी ओके मिलती है क्लास फाइल, क्या मिलती है अपने को उसकी? वो क्लास फाइल को लेने का और उस फोल्डर में डालने का खुद मैन्युअली, इसके लिए डोंकी वर्क है, सारा काम मैन्युअल है इसके अंदर। समझ में आ रहा है? तो हाउ विल वी डू फॉर कर्नाटका नाउ? कैसे करेंगे कर्नाटका के लिए? तो इससे क्या मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा इससे अपने को? कौन सी? तो क्या करने का उसको? तो क्या करने का उसको कनाडा क्लास को? कट एंड पेस्ट वेयर स्टेट फोल्डर डाटा का डॉट क्लास फाइल एंड पेस्ट इन वेयर स्टेट फोल्डर। ठीक है, तो अभी तुमको डोंकी वर्क दिखा करके, डोंकी वर्क चलो पहले इसको कर लेते हैं। तो ये अपना पैकेज फोल्डर है क्या? नहीं दिख रहा तुम लोगों को? हाँ यस सर। तो अभी मैं गया एक न्यू फोल्डर बनाया, किस नाम से? पर कॉम ऑलरेडी है इसके अंदर यार। आल ऐड एक्स्ट्रा एम, आल ऐड एक्स्ट्रा एम। तो क्या नाम से बनाया मैंने? अभी मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी चेंज करना पड़ेगा कोड में जाके। ठीक है, तो कॉम में गया और फिर यहाँ पर क्या बनाया फोल्डर है ना, ये मैंने खुद से बनाया ना दोनों। और फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा अपने को, अभी यहाँ क्या चेंज करना पड़ेगा कोड के अंदर? यस और डबल एम डालना? ठीक है, अब इसको सेव कर दिया, इसको भी सेव कर दिया। अभी इसको कंपाइल करते हैं जल्दी से। तो अभी मैंने कंपाइल किया है क्या महाराष्ट्र को और कर्नाटक को कंपाइल किया है क्या मैंने? नो सर, नहीं किया है। तो अभी अपने फोल्डर के अंदर कोई दिख रही है क्या, कर्नाटका डॉट क्लास, महाराष्ट्र डॉट क्लास? इसको कैसे करने का, सॉर्ट बाय टू तो मैं देखो ग्रुप बाय करता हूँ, ग्रुप बाय टाइप करता हूँ। दिख रहा है क्या ये कौन सी फाइल है? सारे जावा फाइल है, कौन सी फाइल है सारे ये? जावा। तो कर्नाटका का डॉट जावा है और महाराष्ट्र का भी क्या है? जावा। डू यू सी एनी क्लास फाइल? दिख रहा है क्लास फाइल सिर्फ एक है, स्पोर्ट्स मेन है ना, दिख रहा है क्लास फाइल? यस। तो अभी जब मैं कंपाइल करूंगा कर्नाटका को तो क्या मिलेगी मेरे को? तो पहले करते हैं कंपाइल, महाराष्ट्र को कंपाइल करते हैं। ठीक है, जावा सी महाराष्ट्र डॉट जावा कंपाइल हो गया, दिख रहा है क्या कंपाइल हो गया? स्क्रीन नहीं दिख रही अभी। हाँ सर, तो अभी क्या हो गया रहेगा बैकग्राउंड के अंदर? महाराष्ट्र डॉट क्लास, यस सी हो गया, आई क्या? हाँ सर, दिख रहा है। और अभी अब इसको करेंगे कंपाइल कर्नाटका को। तो अभी आज का एक ही जगह पे ना ये लोग सर। तो अभी क्या करेंगे, जावा सी दिख रहा है तुमको? कंपाइल हो गया, यहाँ पर आ गया क्या? नहीं सर। अब क्या करना है, इन दोनों को फाइल को कॉपी करने का, कट करने का, ऐसे उठाने का और कहाँ डालने का? स्टेट में इधर। ये काम अपने को करना पड़ेगा। तो
फोल्डर भी बनाने का और कट पेस्ट का काम भी किसका है, प्रोग्रामर का। ये क्या हो गया, ये कौन सा वर्क हो गया, स्मार्ट वर्क या डोंकी वर्क? डोंकी वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है, देखो सिंपल, जावा सी आईफन डी डॉट महाराष्ट्र डॉट जावा, बस ऐसा कंपाइल करने का। समझ आ रहा क्या, हाइफन डी मतलब मेक अ डायरेक्टरी, मेक अ फोल्डर, तो पैकेज के नाम से फोल्डर बनाएगा अपने आप वो। डॉट बोले तो करंट लोकेशन के ऊपर, हम कहां से फायर कर रहे हैं उसको, अपना करंट लोकेशन क्या है, ये अपना करंट लोकेशन है, देखो इसको बोलते करंट लोकेशन, दिख रहा है क्या करंट लोकेशन, डी कोलन स्लैश स्प्रिंग, इसको बोलते हैं पीडब्ल्यू डी, क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसमें काम नहीं करता, लिनक्स में काम करता हूं। तो अपना प्रेजेंट, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, अपन कौन से डायरेक्टरी में अभी, पैकेज पूरा पूरा, हाँ तो डी कोलन स्प्रिंग टू स्लैश पैकेज है ना, तो डॉट बोले तो वहां बना, डॉट बोले तो किधर बना, तो ऐसे ना डॉट, डॉट मीन्स किधर, अपने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में। और इसका जो है ना क्लास फाइल को अपने आप कट करके पेस्ट कर देगा वो फोल्डर के अंदर, ये कमांड, एक कमांड सिर्फ, समझ रहा। देखो अभी मैं क्या करता, मैं ये डिलीट करता पूरा, मैं ये पूरा डिलीट कर रहा, दिख रहा है तुमको कॉम डॉट, दिख रहा है ये कॉम डॉट, दिख रहा है कॉम फोल्डर, मैं पूरा डिलीट कर रहा हूँ फोल्डर को, फोल्डर है क्या अभी ये, नो, डिलीट कर दिया ना। अब मैं इस तरीके से कंपाइल करूंगा, देखो तो फोल्डर भी बनेगा और फाइल भी चली जाएगी उसके अंदर अपने आप। तो कैसे करने का, दिख रहा है तुमको ब्लैक स्क्रीन, जावा सी हाइफन डी स्पेस है सबके बीच में, जावा सी और हाइफन डी के बीच में स्पेस, हाइफन डी और डॉट के बीच में स्पेस, डॉट और महाराष्ट्र के बीच में स्पेस। कंपाइल हुआ क्या, अब क्या बन गया रहेगा अंदर, यहां पर क्या दिख रहा है, क्या फोल्डर बना गया, कॉम कॉम स्टेट बना गया उसके अंदर। तो हमने कौन सी फाइल कंपाइल की है, तो उसका क्लास फाइल आ गया था, दिख रहा है क्या। तो ऐसे आपके ऊपर है कि आप कौन सा तरीका यूज करते। फिर दूसरा क्या करेंगे, सेम कर्नाटका हुआ है कंपाइल, आया क्या कर्नाटका डॉट जावा डॉट क्लास आया क्या, नहीं फोल्डर में अपने आप आ गया ना। अभी अपने को इन दो फाइल को यूज करना है तीसरी जगह पे, क्या करने का उसको, इंपोर्ट करने का ना। अपन ने पैकेज का नाम चेंज किया था ना, है ना, यस सर। तो ये निकाल देते हैं कचरा पट्टी, अब इसको किससे सेव करने का, क्लास को, स्टेट ऑलरेडी सेव्ड है ये, अब इसको अभी इसको इसको अपने को कोई पैकेज में डालने की जरूरत नहीं है, ये अपना है पैकेज के अंदर, क्या इसको डाल देते, ये दूसरे पैकेज में रहेगी ना, इस ये जो क्लास स्टेट मेन है ये कोई पैकेज में है क्या, तो ये इसे इंपोर्ट कर रही है उसको, ठीक है। तो अब इसको सेव किया, इसको 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 कंपाइल करने का सारे सारे तरीके थे, जो मेन वाली फाइल रहेगी उसको जरूरत नहीं हाइफन डी करने की, जावा सी कंपाइल हो गई, दिख रहा है क्या, हेलो, और उसको 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 रन करते हैं अपन, तो अपने को वो आउटपुट दिखा देगा, मुंबई 3 बैंगलोर 4, समझा क्या, नहीं आया समझे पूरा टेक्निक, आयशा।